उत्तर प्रदेश का चुनाव सर पर है और हालांकि इसको एक ड्यूअल कॉन्टेस्ट माना जा रहा है बीजेपी और एसपी के बीच, एक ऐसे उम्मीदवार हैं जो हमेशा की तरह एक दिलचस्प खिलाड़ी बन के सामने आए हैं। मेरे साथ बैठे हुए हैं असदुद्दीन ओवैसी, एएमआईएम के लीडर और हैदराबाद से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। अभी हम दासना की कॉन्स्टिट्यूएंसी से निकले जहाँ आपकी पदयात्रा थी, अभी आप एक और कॉन्स्टिट्यूएंसी में पदयात्रा करने जा रहे हैं। दासना स्पेसिफिकली मैं पूछना चाहूँगी, बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रीजन है इस वजह से भी क्योंकि पिछले कुछ महीनों में बहुत न्यूज़ में आया है इसके यति नरसिंहानंद हैं, एक कंट्रोवर्शियल फिगर जिन्होंने एक के बाद एक धर्म संसद की है, जिसमें उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ आर्म्स उठाने के लिए लोगों को कॉल किया है, एक जीनोसाइड की कॉल की है। और अब आप दासना पहुंचे हैं, ये जो पूरा माहौल यहाँ बैठा हो इसके बारे में क्या कहेंगे? जनता को समझना चाहिए कि धर्म संसद होता है तो देश के संविधान को तोड़ने की, ख़त्म करने की बात, देश में अल्पसंख्यक समाज के लोगों को उनके कत्लेआम की बात, प्रयागराज में धर्म संसद होता है तो असदुद्दीन ओवैसी को गाली, असदुद्दीन ओवैसी को जान से मारने की बात, तो ये बड़ा अफसोसनाक है कि एक देश जो रूल ऑफ लॉ पर बिलीव करता है मगर जो लोग सत्ता में हैं, चाहे वो यूपी में हों या हमारे दिल्ली में जो हमारे वज़ीर आज़म हैं, प्रधानमंत्री हैं, वो ऐसा लगता है कि बिल्कुल खामोश तमाशा ही बने बैठे हैं। और मेरा मानना ये है कि बीजेपी संघ परिवार की पूरी ताईद और उनके सपोर्ट के बिना पर ही इस तरह के लोग इस तरह की अनाप शनाप और बेहुदा और बकवास कर रहे हैं। इलेक्शंस पे आते हैं, ये आपने बार बार सुना है और क्लैरिफाई किया है, जो कांग्रेस और पार्टीज़ आपको बीजेपी की बी टीम बुलाती हैं, लेकिन उसको अगर हम साइड भी रख दें, आपने शायद ही खुद अपने सोशल मीडिया पे नोटिस किया होगा, सबसे ज़्यादा ये जो एलिगेशन उभर के आता है ये मुसलमान कम्युनिटी में से ही आता है। बहुत लोग ये समझते हैं, स्पेशली एक जो ओल्डर जनरेशन ऑफ मुस्लिम्स हैं, हालांकि आपका यंगर मुस्लिम्स में एक सपोर्ट बेस है लेकिन ओल्डर जनरेशन के लिए आप अभी एक पराया हैं, उनको आप कैसे कन्विंस करेंगे, कैसे समझाएंगे कि भाई मैं नहीं हूँ बी टीम? जो लोग हमसे मुखालिफत करते हैं उनका इख्तियार है, मगर मैं उनसे कहना चाहूँगा कि आप ये बताइए कि हम 2019 का लोकसभा का चुनाव उत्तर प्रदेश में नहीं लड़े तो कैसे जीत गई बीजेपी? और फिर डेटा ये बताता है कि 75% मुसलमानों ने सपा को और बसपा को टिकट दिया, तब भी उनके सिर्फ 15 जीते, मेरी वजह से तो बीजेपी नहीं जीत रही है ना। और चौथी बात यह है कि 2014 का चुनाव अखिलेश हार गए, 17 का चुनाव हारे और 19 का चुनाव हारे, तो मुस्लिम वोटों में कि वोट की वजह से बीजेपी नहीं जीत रही है। हम अपने जो लोगों को जो मेरी मुखालिफत करते हैं करिए, मगर मुस्लिम वोट की वजह से अल्पसंख्यक समाज को बीजेपी नहीं जीत रही है। बीजेपी इसलिए जीत रही है कि बीजेपी ने मेजॉरिटी कम्युनिटी के, और जिसमें ओबीसी भी हैं, दलित समाज के लोग भी हैं, आदिवासी भी हैं, उनका मेजर वोट बीजेपी को मिल रहा है। तो ये हमारा, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब 3-3 इलेक्शन अखिलेश यादव हार चुके हैं उनकी लीडरशिप में, 14, 17, 19, आप दोबारा वो गलती मत करिए। हाँ, यकीनन फिरका परस्ती के बादल हमारे सर पर मंडला रहे हैं, देश को के संविधान को, देश के भाईचारगी को ख़त्म करने की ताकतें पूरा काम कर रही हैं, मगर जब आपके घर में तूफान है तो आप कैसे ये समझेंगे कि भाई कोई आएगा और आकर मुझे बचाएगा? नहीं, जब आपके घर के बाहर तूफान है तो आपको खुद तैयार होना पड़ेगा, आपको अपनी लीडरशिप को बनाना पड़ेगा, आपको अपना हिस्सा लेना पड़ेगा, तभी तो जाकर हम इन तमाम ताकतों का मुकाबला कर पाएंगे। वरना आपने बरसों से कांग्रेस का साथ दिया, कांग्रेस ने आपको क्या दिया? हाशिमपुरा, मलियानिया दिया उत्तर प्रदेश में, मुरादाबाद में। लोग, नौजवान पीढ़ी नहीं जानती कि मुरादाबाद की ईदगाह में 400 लोगों को मुसलमानों को गोली मारकर शहीद कर दिया गया। अखिलेश यादव के दौर में मुजफ्फरनगर का कांड हुआ, और 5 साल से योगी सरकार है तो कोई दिन ऐसा नहीं जाता जहां पर गोश्त के नाम पर या चमड़ी के नाम पर नहीं मारा जाता। 22 लड़के पुलिस फायरिंग में CAA के मारे गए, 30% डेटा है कि एनकाउंटर में मारे गए। फिर कौन आपकी आवाज़ है, कौन आपका नेता है, कौन आपके आंसुओं को पहुँचेगा, कौन आपकी लड़ाई लड़ेगा? अगर आप इन तमाम पार्टीज पे सपोर्ट भरोसा करेंगे तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। मुस्लिम कम्युनिटी में जब आप रैलीज करते हैं उनके एरियाज में, तो आपका ये रहता है कि रिप्रेजेंटेशन आपका प्राइमरी जो USP है जिसपे आप उनको अपने तरफ इनवाइट करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन मैं कुछ डेटा देख रही थी, BSP SP और कांग्रेस ने जो कैंडिडेट्स अभी तक 3-4 जो लिस्ट आई हैं उसमें भी उन्होंने मुसलमान लोगों को कैंडिडेट्स टिकट्स दिए हैं, बड़े नंबर में दिए हैं। BSP ने 53 मुस्लिम्स को दिए हैं, कांग्रेस
कि अभी 40 आई उनमें 48 मुस्लिम्स हैं, एसपी आरएलडी की 45 हैं, और उसमें इनफैक्ट इतना भी हो गया कि जाट जो कम्युनिटी है उन्होंने बैकलैश उनसे मिलने लगा कि अरे तुमने इतने सारे मुस्लिम्स को कैसे वोट दिया, कैंडिडेट टिकट दिए। तो उसके चलते ये जो रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं उस तरफ से भी तो मुस्लिम्स को टिकट दिए जा रहे हैं। देखिए एक बात आप समझिए, जब मुजफ्फरनगर का कांड हुआ 50,000 लोग बेघर हो गए, पार्टीशन के बाद इतने बड़े तादाद में लोग बेघर हो गए, आपका पॉइंट है कि टिकट दे रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं कि 2013 में 69 मुस्लिम MLAs उत्तर प्रदेश की विधानसभा में थे, उनका रिकॉर्ड उठाकर देखिए कि किसी में तौफीक नहीं हुई कि उस जुल्म के खिलाफ, उस नाइंसाफी के खिलाफ वो आवाज़ उठाएं। कई तो जा भी नहीं सकते थे मुजफ्फरनगर को, मैं गया, मैंने देखा उन कैंपों में क्या हाल में लोग रह रहे थे। और तो ये बताना चाह रहा हूँ कि नंबर्स टिकट देने के और जीतने के, ये आपकी लीडरशिप को, आपकी सरदारी की लड़ाई में फायदेमंद नहीं हो सकता, क्योंकि जिस पार्टी से वो जीतते हैं वो तो मुस्लिम समाज के नेता नहीं कहलाते, ना ही वो उस पार्टी के नेता कहलाते हैं। तो इसीलिए हमारी लड़ाई ये है कि भारत की डेमोक्रेसी की, जमहूरियत की तलहकीकत यह है कि जब तक जिस समाज की पॉलिटिकल लीडरशिप होगी, उनका नेता होगा, तभी उनके मसाइल और प्रॉब्लम्स हल होना शुरू हो जाते। तीसरा पॉइंट यह है कि अखिलेश यादव के जो सहयोगी पार्टी के लीडर ने मीडिया में आकर कहा कि अखिलेश यादव ने 45% समाजवादी पार्टी के मुस्लिम नेताओं के टिकट काट दिए। क्यों काटे आपने भाई? अगर आपको इतना भरोसा है सेकुलरिज्म पर, अगर आपको इतना भरोसा है कि तमाम, आप कह रहे हैं कि सब बिरादरी भाईचारगी सम्मेलन किया, तो फिर आप दीजिए ना। जब आप ही को अपने पार्टी के मुस्लिम नेताओं पर भरोसा नहीं कर रहे हैं उनकी कामयाबी का, तो फिर आप क्या काम करेंगे? और एक अहम बात समझिए, अभी हमने धर्म संसद की बात की, क्या अखिलेश यादव का कोई स्टेटमेंट देखा आपने धर्म संसद के खिलाफ? क्या जनता ने जयंत चौधरी का स्टेटमेंट देखा? क्या जनता ने बहन मायावती का स्टेटमेंट देखा? नहीं देखा आपने, क्यों नहीं देखा? CAA का प्रोटेस्ट हुआ, क्या ये लोग नजर आए? नहीं नजर आए। आप तो बोलते ही नहीं है, आपकी जबान पर लफ्ज मुसलमान आना तो दूर की बात, आप तो अल्पसंख्यक समाज भी नहीं बोलते। सामाजिक, ये कौन सा सामाजिक न्याय है? ये सामाजिक न्याय नहीं है, बल्कि आप धोखा दे रहे हैं, बल्कि आप ये कह रहे हैं कि तुम्हारा अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों का मुकद्दर ये है कि दरी बिछाओ और नारे लगाओ कि भैया तुझ पे जवानी कुर्बान। अरे भाई कितनी जवानी कुर्बान करेंगे? दादा ने कुर्बान कर दी, बेटे ने कुर्बान कर दी, अब आप तीसरी नस्ल को भी बर्बाद करना चाह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि हिस्सेदारी की लड़ाई में हिस्सा लीजिए, नेता बनिए, और पॉलिटिकल जो पावर आता है उससे आप अपने मसाइल को, प्रॉब्लम को विधानसभा में जाकर लड़िए और उसको सॉल्व करिए। आपने कुछ दिन पहले अपने एक फ्रंट अनाउंस किया है, एक अलायंस अनाउंस किया, और उसमें आपने बोला कि बाबू कुशवाहा जो है उसके चीफ मिनिस्टीरियल कैंडिडेट होंगे। पहला सवाल ये है कि कोई मुस्लिम क्यों नहीं आपने चूज किया एज चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट? और दूसरा ये भी कि आपने बिहार में जब आप इलेक्शन लड़े थे उपेंद्र कुशवाहा के साथ, वो भी उस टाइम आपके CM फेस थे, और फिर उन्होंने कुछ टाइम बाद जाके NDA ज्वाइन कर ली, क्या गारंटी है कि ये जो अलायंस पार्टनर है ये भी वो नहीं करेंगे फिर से? देखिए जिंदगी का भरोसा नहीं है, मौत तो बर्फ है, ना आप गारंटी दे सकते मेरी जिंदगी की ना। तो जब ये अब बाबू सिंह कुशवाहा हमारे साथ हैं, हमने, आपने सही कहा, हमने फैसला लिया जिसमें वामन मिश्राम साहब की पार्टी है, बिंड समाज की पार्टी है, कच्छप समाज की पार्टी और दीगर पिछड़ा समाज के और दो तीन पार्टी है, उसमें ये तय किया गया कि 2.5 साल के लिए अगर उत्तर प्रदेश जनता सत्ता देती है तो बाबू सिंह कुशवाहा साहब पहले मुख्यमंत्री होंगे और दूसरे 2.5 साल के लिए दलित समाज से मुख्यमंत्री होगा, और 5 साल में 3 डिप्टी CM होंगे जिसमें 2 पिछड़े समाज के रहेंगे और 1 अल्पसंख्यक समाज के मुसलमान साहब रहेंगे। हम शुरू से ये कह रहे हैं कि क्यों नहीं ये पूरे पॉलिटिकल पार्टीज, चाहे समाजवादी हो, BSP हो या कांग्रेस हो, ये क्यों नहीं डिप्टी CM डिक्लेयर करते? भाई जब आप बात करते हैं ना, वोट तो ले लेते हैं भाई, ये कैसी मिसाल है कि भाई मजदूरी कराएंगे और मजदूर को मजदूरी नहीं देंगे? मैं पसीना भी बहाऊं, खून भी बहाऊं, आपके लिए नारे भी लगाऊं, दरी भी बिछाऊं और आप मुझे इज्जत नहीं देते? तो ये पूरी लड़ाई जो है एक डिग्निटी की, इज्जत की, हिस्सेदारी की, भागीदारी की, और हर चीज़ में हम चाहते हैं कि हिस्सा मिले, चाहे वो ठेकेदारी में हो, राजनीति में हो, शिक्षा में हो या बिजनेस में हो, और ये उसी वक्त होगा
जब आपके पास आपकी एक आजाद इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल लीडरशिप आप बनाएंगे, तो यही हम हर जगह पर बता रहे हैं, समझा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। अलायंसेस की बात चल रही है, तो आपका कुछ महीने पहले बहुत ही एक पब्लिक फॉलआउट हुआ ओपी राजभर की पार्टी के साथ, जो एक 9 पार्टीज का अलायंस था, उन्होंने आपको एलिनेट कर दिया एक तरह से और जाके एसपी में जुड़ गए। उसके अलावा उससे पहले आपने ये भी हिंट किया था कि आप नॉन बीजेपी नॉन कांग्रेस जो मेन स्ट्रीम सेक्युलर पार्टीज हैं उनके साथ अलायंस के लिए ओपन हैं, वो बात भी नहीं बन पाई। और ये एक रिकरिंग थीम रहती है, चाहे वो ISF के साथ हो वेस्ट बंगाल में, क्यों AIMIM जो है अलायंसेस के गेम में इतनी स्ट्रांग नहीं है। और मैं सिर्फ ये मेन स्ट्रीम सेक्युलर पार्टीज की बात नहीं कर रही हूँ, पर ये जो छोटी पार्टीज होती हैं उनके साथ भी अलायंसेस स्टिच करने में क्या दिक्कत आ रही है? पहली बात तो यह है कि जिस महाशय का आपने जिक्र किया ओपी राजभर, जो खुद कन्वीनर थे उस मोर्चा के, वो खुद भाग गए, मगर उसमें जितनी पार्टियां थी वो तो बाबू सिंह कुशवाहा साहब के साथ आ गई। जितनी मेजर पार्टियां थी वो पूरे बाबू सिंह कुशवाहा साहब के साथ आ गई हैं, तो उससे हमको फिक्र नहीं है। और मैं किसी पार्टी को फोर्स तो नहीं कर सकता कि वो हमसे अलायंस करे। बिहार में हमने कोशिश की थी RJD से, मगर वो राजी नहीं थे। अख्तर अली मान हमारे स्टेट प्रेसिडेंट पटना जाकर मिले, बड़े बड़े मुस्लिम समाज के जिम्मेदारों से मिले, उन सबको कहा, मगर नहीं हुआ। तो फिर हम वहाँ पर उपेंद्र कुशवाहा साहब, जिसमें BSP भी थी उस अलायंस में, हमने उनके साथ चुनाव लड़ा और माशाल्लाह से हमारे 5 विधायक सीमांचल की उस सरजमीन से कामयाब हुए। मैं उनको सलाम करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। तो अगर नहीं चाहते तो हम क्या कर सकते, मगर हम अपना चुनाव लड़ेंगे, अपना मेहनत करेंगे और जनता इंशाल्लाह हमको इज्जत से और अल्लाह हमको कामयाब करेगा। जो आपने बिहार की बात की उसमें आपने 19 कैंडिडेट्स को खड़ा किया था और आप 5 सीट्स जीते, बहुत ही अच्छी जिसको रेट कहते हैं, विनिंग रेट जो है। लेकिन यहाँ पे आप कह रहे हैं कि 100 कैंडिडेट्स आप खड़ा करेंगे, आपके अलायंस खड़ा करेंगे, तो उसके चलते एक नुमानी साहब जो हैं, एक रिनाउंड क्लेरिक हैं, आपको एक ओपन लेटर लिखा है, वो ये बोलते हुए कि आप कर रहे हैं, आप जा रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन आप कम सीट्स पे लड़िए ताकि और सीट्स पे नुकसान ना हो। जहाँ पे आप श्योर हैं कि आप विनेंगे, जहाँ पे ज़्यादा सर्टिनटी है वहीं पे लड़ें, तो ये आपको लगता है थोड़ी गड़बड़ होगी कि आप इतनी सीट्स पे लड़ रहे हैं? मैं जो है अपनी पार्टी का फैसला, हम लोग हमारे पार्टी में जो लोग हैं, जो जिम्मेदार हैं, पार्टी के मेंबर्स हैं, उन सब ने बैठ कर मशवरा करके एक इज्तिमाई और मुत्तफ़िका फैसला लिया कि हम इस अलायंस का हिस्सा बनेंगे और इस अलायंस में हमको इतनी सीट दी गई। मैं इस पर इतना ही कहना चाहूँगा, मैं मौलाना की बड़ी इज्जत करता था हूँ और रहूँगा इंशाल्लाह। जितनी सीटें हमको अलायंस में मिली हैं उतनी सीटों पर हम पूरी ताकत और पूरी मेहनत और पूरे अखलास के साथ जिद्दोजहद कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं हमारे पूरे संगठन के लोग, जिम्मेदार लोग, और मुझे यकीन है कि 2017 से बेहतर नतीजा